नमस्कार। खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त देश में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसको लेकर जब चर्चा की जा रही है तो जिस राज्य को ऐसा लग रहा है कि इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हुए हम सभी देख सकते हैं, पूरा देश देख सकता है, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि अब 2.0 यानी अपना पिछला टर्म जब उन्होंने खत्म किया तो कुछ उन्होंने संदेश और संकेत देश में दिए, उत्तराखंड में दिए, और अब ऐसा लग रहा है कि उनको सबसे ज्यादा आगे बढ़कर वो पूरा भी कर रहे हैं। इसको लेकर एक छवि भी उनकी बन रही है कि वो बोलते कम है लेकिन करते बहुत ज्यादा है। तो क्या क्या उनका प्लान है, उन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मौजूद हैं। बेहद ही स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज पर धामी जी। बहुत सारे सवाल हमारे पिटारे में है आपके लिए और हमें उम्मीद है कि इस इंटरव्यू में आप बेबाक तरीके से उनका जवाब देंगे। धामी जी, सबसे अहम सवाल जो जिसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगी, 2.0 जो आपका अब ये टर्म है, कार्यकाल है, इसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं, कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन आपका प्लान क्या है? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी इसको देखने वाले सुनने वाले सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आपने जैसा पूछा, मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं कि उन्होंने पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में किसी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सरकार में आने का अवसर दिया, लगातार सेवा करने का अवसर दिया। और हमने जो भी देवतुल्य जनता से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और निर्देशन में जो उनके सामने संकल्प रखे थे या जो भी हमने बातें कही थी, हमारा पहला लक्ष्य यही है कि हम उन सभी कामों को पूरा करें जो हमने देवतुल्य जनता के सामने यहाँ रखे थे, और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक साल का समय कुछ ज़्यादा हो गया, एक साल से कुछ ज़्यादा समय हो गया है हमारी सरकार को दोबारा सरकार में आने के बाद, और हमने बहुत सारे फैसले लिए हैं। उन्हीं फैसलों में से समान नागरिक संहिता जी, ये हमारा संकल्प था, और इस पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस पर अपना मैंडेट दिया, अपनी उन्होंने मोहर लगाई। और इस चुनाव से भी पहले हमने उनके सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता बनाने के लिए कमेटी बनाएंगे, और हमने वो कमेटी बना दी। कमेटी ने एक साल से भी अधिक का समय अपना पूरा कर लिया है और अपना ड्राफ्ट का मसौदा लगभग उन्होंने तैयार करने का जैसा पूरा हो गया है, उनका संकलन हो रहा है उनका, और कुछ समय बाद वो ड्राफ्ट हमको मिल जाएगा और हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। धामी जी, क्योंकि आपने शुरुआत ही यूसीसी से की और हम भी, क्योंकि देशवासी भी उस बारे में जानना चाहते हैं, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि यूसीसी की ऐसी जरूरत अभी जब 2024 का चुनाव है, उससे पहले अचानक से क्यों जरूरत आन पड़ी? नहीं, 2024 तो अभी आने वाला है, लेकिन हमने 2022 में ही ये उत्तराखंड देवभूमि के अंदर यहाँ की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना मैया का प्रदेश है, ये बाबा केदारनाथ जी का स्थान है, बद्री विशाल जी का स्थान है, ये वनों से आच्छादित, नदियों से आच्छादित और दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, और इसके साथ ही प्रत्येक परिवार से यहाँ सेना में या अर्धसैनिक बलों में कोई न कोई परिवार से अपनी सेवाएं देश के अंदर कहीं ना कहीं दे रहा है। इसलिए हमने ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था कि चूंकि यहाँ पर धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का एक बड़ा केंद्र उत्तराखंड है, और मैं कहूँ कि ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक केंद्र है, इसलिए यहाँ रहने वाला कोई भी किसी वर्ग का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून है। और एक समान कानून की बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसका पूरी तरह से प्रावधान किया गया है, और उसी प्रावधानों को सामने रखते हुए हमने ये बात यहाँ रखी और देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने उस पर अपना मैंडेट हमको दिया और हम आगे बढ़ गए। धामी जी, देखिए, हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मौसम का मिजाज भी लगातार बदल रहा है, थोड़ा सा बूंदाबांदी शुरू हो गई है, लेकिन आपने कहा कि उत्तराखंड क्योंकि एक विशेष तरीके का राज्य है और यहाँ की जरूरतें भी विशेष हैं, और इसीलिए यूसीसी का जो ऐलान है उसको यहाँ पर करने की सबसे ज्यादा अहम जरूरत आ गई है।
कमेटी की आपने बात कही, जब कमेटी अपना, क्योंकि अभी तो वैसे ड्राफ्ट देके सामने नहीं आया है, लेकिन छन छन कर जो खबरें आ रही हैं उसके बाद एक अलग माहौल पैदा करने की, एक नैरेटिव सेट करने की भी देश में कोशिश हो रही है कुछ वर्गों की तरफ से, कुछ नेताओं की तरफ से, उस पर आप क्या कहेंगे, ये नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, जो भारत के संविधान पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो कभी भी कोई अलग नैरेटिव सेट करने की बात नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो कानून है, ये बात है जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब देश का संविधान बना रहे थे उस समय भी इसका प्रावधान है, तो इस पे किसी को शंका और संदेह जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सबके सशक्तिकरण के लिए ला रहे हैं, और एक तरह से ये कानून ऐसा कानून होगा जो सबके लिए एक समान होगा, उसमें किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी ड्राफ्ट बड़े विद्वान लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, और ये जब ड्राफ्ट आएगा तो निश्चित रूप से सभी लोग, मुझे लगता है कि इसका सबको स्वागत करना चाहिए। मेरे ख्याल से हम अंदर चलते हैं, क्योंकि इस तेज बारिश में थोड़ा सा आराम से बात की जाए। धामी जी, आज हम जिस दिन आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, उस दिन एक तरीके से उत्तराखंड के लिए पावन दिन भी है, सावन का पहला सोमवार उत्तराखंड में शुरू भी हो रहा है, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उत्तराखंड के निवासियों को भी। लेकिन जिस सवाल पर हम बाहर बात कर रहे थे, मैं उसी पर आना चाहती हूँ। जो ओवैसी जी या तमाम जो धर्म के नेता हैं, उनका कहना है कि ये ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू धर्म के भी खिलाफ होगा। यूसीसी ओवैसी जी की जो सोच है वो मोहम्मद अली जिन्ना जैसी सोच है, जिनके कारण भारत का विभाजन हुआ, और इनकी सोच के कारण लगातार देश के अंदर जो है तुष्टिकरण होता रहा। कुछ राजनीतिक दल और कुछ सरकार के धर्म के नाम पर, इसके नाम पर लोगों को जो बरगलाने का जो काम करते रहे हैं, उनके दिन अब लग चुके हैं। अब देश, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। एक भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और अटक से लेकर कटक तक, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरा भारत आगे बढ़ चुका है और तेजी से आगे चल रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, और भारत पूरे विश्व के नेतृत्वकर्ता के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में आगे आ रहा है। इसलिए इन सब इस प्रकार की सोचों को अब भारत की जनता कहीं कोई स्थान नहीं देने वाली है, और इनके दिन अब लग चुके हैं। लेकिन धामी जी, क्योंकि कुछ मुद्दों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये माना जा रहा है कि इसमें अगर स्पेशल मैरिज एक्ट, अगर हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट है, क्या उसमें भी कुछ प्रावधान आएंगे, या फिर कि ये माना जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के बारे में ही इसमें सशक्तिकरण की बात आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिसमें सबका भला होगा वही इस कानून में आएगा, और ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी बहुत विद्वान लोगों की है, और 2,35,000 लोगों से उन्होंने परामर्श लिया है, स्टेक होल्डरों से परामर्श लिया है, और विभिन्न विभिन्न जो धार्मिक संगठन हैं उनसे भी विभिन्न स्थानों पर उन्होंने अलग अलग चर्चा की है, वार्ता की है, और उसके बाद ही वो ड्राफ्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। इसलिए इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, लोगों को बरगलाने का प्रयास भी नहीं होना चाहिए। आप ये मान लीजिए कि एक तरह से ये समान नागरिक संहिता सबके लिए धर्मनिरपेक्ष कानून भी है, और भारत का संविधान जिसके लिए कहता हो, जिसमें भारत के संविधान में जिसका प्रावधान हो, उसमें मैं समझता हूँ कि जो लोग भारत के संविधान पर विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं और विधि को मानने वाले लोग हैं, वो कभी भी इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करेंगे। ये सवाल धामी जी इसलिए खड़े हुए कि जब प्रधानमंत्री ने पसमांदा मुसलमानों की स्थिति पर बात की, जब यूसीसी पर उनसे सवाल पूछा गया, लगातार आप भी प्रधानमंत्री के साथ इस मुद्दे को लेकर उनकी सलाह पर और जो भी बातचीत है अमित शाह जी से, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तब ये चिंगारी में आग लगी, और तब देश में सभी विपक्षी जो पार्टियां हैं उन्होंने कहा कि सिर्फ पसमांदा मुसलमानों की ही बात क्यों हो रही है, सिर्फ महिलाओं की ही बात क्यों हो रही है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देश के गरीब वर्ग के लोगों की बात की है, उन्होंने कभी धर्म के आधार पर, कभी किसी पंथ के आधार पर, किसी समुदाय के आधार पर जो अपने कार्यक्रम चलाए हैं, नीतियां चलाई हैं, या जो भी प्रावधान किए हैं जिससे कि आम जनता और सामान्य जनता और समाज के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, सभी को प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ मिला है। गरीब कल्याण की उन्होंने जितनी योजनाएं चलाई हैं, पिछले 9 वर्षों का अगर हम आकलन करेंगे तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में
1947 से लेकर अब तक हम 76वें साल में प्रवेश कर गए हैं, शायद कोई ऐसा कालखंड आया होगा जिसमें सभी वर्गों के लिए और सभी के हित के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, सुशासन की दिशा में, सेवा के क्षेत्र में जो काम हुए वो इन 9 वर्षों की अगर तुलना करेंगे तो एक तरफ 9 वर्ष और उसके अलावा जो 66 वर्ष हैं, उन 66 वर्षों पर ये 9 साल बहुत भारी पड़ेंगे। और उन्होंने इस आधार पर काम नहीं किया, तुष्टिकरण के आधार पर काम नहीं किया, उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को ध्येय मानते हुए आगे बढ़ें। और चाहे आज उज्ज्वला योजना हो, देखिए आज कोई वर्ग ऐसा नहीं कह सकता, इसमें सर्वाधिक अगर लाभ लेने वाला कोई वर्ग है तो हमारा मुस्लिम बहनों का वर्ग है। अगर हम आज स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। आज जनधन योजना में अगर खाते खुलवाए गए हैं, उनसे सीधे DBT का लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो किसी को ये देखकर नहीं दिया गया कि कौन किस मजहब का है, किस धर्म का है, इसके आधार पर नहीं हुआ है। मजहब देखा गया तो केवल किसको जरूरत है, कौन गरीबी पर जी रहा है, किसके उत्थान के लिए जरूरत है, उस पर काम किया गया है। देखिए कोरोना महामारी में गरीब कल्याण की जो अन्न योजना चलाई गई है वो सभी को दिया जा रहा है। आज भी अगर उनको अन्न देने का काम 2020 से शुरू हुआ और अभी तक लगातार चल रहा है, कोई कह नहीं सकता कि कहीं पर भेदभाव हुआ है। इसलिए भेदभाव जैसी कोई बात नहीं है। आज भेदभाव की बात वो लोग करते हैं, वोटों की बात वो लोग करते हैं जो केवल वोटों के नाम पर इसका ध्रुवीकरण करते थे, किसी मजहब के नाम पर करते थे या कोई भेदभाव करके तुष्टिकरण के आधार पर जो लोग करते थे, उनको बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वोटों की बात नहीं हो रही है बल्कि विकास की बात हो रही है। आपने इतने सारे आंकड़े बताए धामी जी, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, और आपने बताया कि किस तरह सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ध्रुवीकरण एक शब्द ऐसा बन गया है जो बीजेपी के साथ ही जोड़कर विपक्ष हमेशा उसकी बात करता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष एक तरह से कहिए तो मुद्दा विहीन है। आज हर वर्ग का जो विश्वास है वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। गरीब महिलाएं हों या कोई बुजुर्ग हों, कोई उनको अपना बेटा समझता है, कोई बेटे जैसा मानता है, कोई भाई जैसा मानता है, कोई उनको अभिभावक मानता है। क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान भी पूरे देश ने देखा, जब पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही थी, ऐसे समय में मोदी जी का जो सशक्त नेतृत्व है, दूरदर्शी नेतृत्व है, संवेदनशील नेतृत्व है, उसने हर वर्ग को राहत देने का काम किया है। और एक प्रधानमंत्री के रूप के अलावा उन्होंने एक अभिभावक के रूप में भी देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसलिए हर वर्ग का समर्थन उनके साथ है। धामी जी एक दो सवाल में, क्योंकि यूसीसी पर आप कोई सस्पेंस पर से पर्दा तो नहीं उठा रहे हैं, जो होगा ड्राफ्ट में होगा, आप कुछ उसमें संकेत नहीं दे रहे हैं, लेकिन जनजातियों आदिवासियों को लेकर जो सवाल खड़े हैं कि उनके ऊपर सबसे ज्यादा इसकी मार पड़ने वाली है, क्योंकि उनका एक अलग तरीके के रीति रिवाज है, अलग तरीके के कानून है, क्या उनको आप कुछ कहना चाहेंगे कि उनको इस भ्रम में आने की जरूरत नहीं है? हमारा हमारे देश को आगे बढ़ाने में, देश के उत्थान में हमारे आदिवासी जनजाति समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी अपनी अलग मान्यताएं हैं, अलग उनके कल्चर हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारी कमेटी है, उस कमेटी ने उनसे भी कंसल्ट किया है, उनके उनसे भी बात की है, और मुख्य रूप से जो स्टेक होल्डर के रूप में वह भी इसमें है, तो किसी को कोई शंका या कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसा काम मैं समझता हूँ विद्वान लोगों की कमेटी नहीं करेगी जिससे कोई भी समाज आहत हो, कोई भी समाज प्रभावित हो। क्योंकि आप कमेटी की बात कर रहे हैं, तो क्या मॉनसून सत्र में हम ये माने कि उत्तराखंड में यूसीसी आने वाला है और कमेटी ही नियम भी आगे तय करेगी, ऐसा कुछ है? नहीं, कमेटी जैसे ही हमको रिपोर्ट देगी हम उस पर काम करेंगे, और भी हमारे जो विधि के विशेषज्ञ हैं या हमारा विधि विभाग है वो भी उसका परीक्षण करेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धामी जी मुझे याद है कि चुनाव से पहले भी हमने आपका इंटरव्यू किया था और तब भी यूसीसी पर बहुत लंबी चर्चा आपके साथ में हुई थी। आपके बारे में देश में एक अलग तरीके की छवि बन रही है कि जो आप कहते हैं, कहते बहुत कम है लेकिन करके बहुत ज्यादा दिखाते हैं, और ये छवि ठीक है कि आपको लगता है? बोलते कम है लेकिन जो कहते हैं वो करके दिखा रहे हैं। देखिए मैं एक सामान्य परिवार से आया हूँ, मैं सामान्य पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, एक सैनिक का बेटा हूँ, और हमने बचपन से अनुशासन सीखा है जीवन में, और जो तय कर लिया, जो लक्ष्य ले लिए, और आज हमारे देश के
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है, उन्होंने देखिए कोई भी नेता पहले जो वायदे करते थे वो वायदों को लेकर फिर से कभी मैदान में नहीं आते थे, लेकिन मोदी जी पहले एक ऐसे नेता हैं जो उन्होंने आज से 5 साल पहले कहा होगा या 10 साल पहले कहा होगा वो आज उन सभी को लेकर मैदान में आते हैं और उसका हिसाब देते हैं। इस वो हम लोगों ने उनसे प्रेरणा लेकर उत्तराखंड के अंदर भी जो भी हमने जनता से कहा है या उत्तराखंड के लिए जो जरूरी है या उत्तराखंड के हित में है, हम उसको बोले बिना या कहे बिना उसको पूरा करेंगे, हमारा संकल्प है। नामी जी, ये जो आपका 2.0 का जो टर्म है, पहले आपको समय थोड़ा सा कम मिला था उस टाइम पर, लेकिन एक छवि जिसकी मैं आपकी बात कर रही हूँ, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की भी आपकी बन गई है कि आप लगातार उन मुद्दों को उत्तराखंड में उठा रहे हैं जो बीजेपी के कोर इश्यूज हैं या बीजेपी की छवि अभी तक उन मुद्दों को उठाने की रही है। आप मानते हैं कि ये आरोप है या आपको लगता है ये अच्छी बात है? देखिए, एक बात मैं बताऊं कि ये देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड का अपना एक मूल स्वरूप है। ये जहां धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, देवों से आच्छादित पूरी ये देवभूमि है, इसका अपना एक स्वरूप है और लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से रहते हैं। यहाँ पर आपस में बांटने जैसी कोई बात नहीं है, हमारा तो सबके साथ प्रेम है, आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि अगर कोई काम हमने किए हैं तो काम हमने देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बरकरार रखने के लिए, मूल स्वरूप को बचाने के लिए उन कामों को हमने आगे बढ़ाया है। उसमें किसी का अहित करने जैसी बात, किसी में भेद करने जैसी कोई बात नहीं है। हमने जो भी काम किया है वो मूल स्वरूप को बचाने के लिए किया है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। नहीं, ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, पुरौला की जो घटना हुई, आपको लगता है वो इसी उत्तराखंड के मूल स्वरूप को खराब करने वाली एक घटना के तौर पर हम देख सकते हैं और उसके पीछे की जो साजिश रही जिसका खुलासा हुआ वो? देखिए, पुरौला की एक घटना उत्तराखंड राज्य के लिहाज से बिल्कुल भी उसको कोई सही नहीं ठहरा जा सकता है। हम अपनी बहन बेटियों को धोखे में नहीं रख सकते हैं, उनको कोई बरगलाए, कोई धोखा दे, कोई झूठ बोले, कोई फरेब करे, इसको किसी भी कीमत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए कानून ने उस पर अपना काम किया, जो भी लोग इसमें दोषी हैं हमने कहा कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा, चूँकि एक घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ पर एकदम से पैदा हुई, लेकिन कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में लेने का हमने कोई भी परमिशन वहाँ पर नहीं दिया। नहीं धामी जी, लेकिन आप जिसे एक घटना कह रहे हैं वो घटना सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में दिखाई दे रही है, उस तरह की घटनाएं। आईबी की रिपोर्ट भी कुछ कहती है, आंकड़े भी कुछ कह रहे हैं कि ये घटनाएं लगातार देश में बढ़ रही हैं। उत्तराखंड जैसा राज्य भी अगर अब उससे अछूता नहीं है तो ये कितना बड़ा खतरा आप देखते हैं? नहीं, खतरा है, इसीलिए हमने कहा है कि हम इसको नहीं बढ़ने देंगे। और उत्तराखंड में इस प्रकार का जो हमारी बहन बेटियों के साथ काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, उनको धोखे से, फरेब से, झूठ से बहलाकर, फुसलाकर, इसीलिए हम यहां पर सख्त धर्मांतरण का कानून भी लाए और हमने कहा कि ऐसी अगर कोई भी घटना कहीं पाई जाएगी तो हमारा प्रशासन जो है उस पर सख्ती से काम करेगा, कानून व्यवस्था उस पर किसी भी कीमत पर कोई रियायत नहीं बरतने वाली है। क्या इसके पीछे की मंशा आप क्या देखते हैं? देखिए, जो भी मंशा है वो सबके सामने है, इसलिए हम उनकी मंशा को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। उत्तराखंड के अंदर हम अपनी बहन बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई धोखा नहीं होने देंगे। आपने कार्यवाही की लेकिन इसे भी एक अलग रंग देने की कुछ लोगों ने कोशिश की, जबकि क्लियर कट तरीके से ये मामला कुछ और था। आपको लगता है ये ट्रेंड जो देश में चल रहा है ये बहुत खतरनाक है? देखिए, जो सही बात है उसका लोगों को समर्थन करना चाहिए और कोई भी जो है इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, इस प्रकार के जो षड्यंत्र हैं, इस प्रकार का एक मैं कहूँ कि अंदर से बिना गोलीबारी के चलने वाला आतंकवाद है, इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। और उत्तराखंड तो देशभक्तों का उत्तराखंड है, यहाँ पर लोग देश के लिए, देश की सीमाओं के लिए बड़ी संख्या में अपना जीवन निछावर करने वाले लोग हैं। चाहे हम किसी भी युद्ध की बात करें, हर युद्ध में यहाँ के लोगों ने अपना योगदान दिया है। आज भी भारतीय सेना में हो, वायुसेना में हो, चाहे नौसेना में हो या अर्धसैनिक बलों में हो, बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग अपना योगदान दे रहे हैं और उत्तराखंड का एक मूल स्वरूप है। पूरी दुनिया यहाँ पर श्रद्धा और आस्था के रूप में आती है, जहाँ से गंगा जी निकलती हैं, यमुना जी निकलती हैं, ये
चारों धाम यहाँ पर हैं, आदि कैलाश यहाँ पर है, जागेश्वर धाम यहाँ है, बाबा नील करोरी का स्थान है, बाबा बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे अगर हम स्थानों की बात करें, माँ पूर्णागिरी का स्थान है, तो ये स्थान अपने आप में एक अलौकिक स्थान है, दिव्य स्थान है। ऐसे स्थान पर इस प्रकार की घटना होना मेरे ख्याल से कतई उचित नहीं है, और भगवान की भी यही कृपा होगी इसलिए देवभूमि से इस प्रकार का जागरण हुआ है। नामी जी, क्योंकि आपने इसी में धर्मांतरण का जिक्र किया, धर्मांतरण को लेकर इतना सख्त कानून जो आपने बनाया है वो पूरे देश में और कहीं इतना सख्त नहीं दिखाई देता है, इसके पीछे भी इस मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इसको भी आप किसी एक वर्ग के साथ, एक धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, क्या ये सही है? हम वो सब काम कर रहे हैं जो देवभूमि उत्तराखंड के लिए जरूरी है। देवभूमि उत्तराखंड के जो भी हित में है हम उन कामों को कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग इसको भी अलग नजरिए से देख रहे हों। मैं उनसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि देवभूमि की जनता ने हमको इसी काम के लिए, देवभूमि की जनता ने उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाने के लिए हमको सेवा का अवसर दिया है, और हम वो काम कर रहे हैं। उसमें हम किसी पंथ, मजहब, संप्रदाय इसका कोई भी चिन्हीकरण नहीं कर रहे हैं, न कोई भेद कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जब जनसंख्या नियंत्रण पर बात होती है, असंतुलन पर बात होती है, उसको लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब हम आंकड़े देखते हैं कि 2001 में जो आबादी थी उत्तराखंड की वो किस तरह से एक दूसरे तरफ से मुड़ रही है, हरिद्वार के आसपास हो, तमाम इस तरह के जिले में जो चीजें दिखाई देती हैं, उनको लगता है देख करके खबरदार होने की जरूरत है क्या? निश्चित रूप से। देखिए, मैंने कहा कि उत्तराखंड का मूल स्वरूप कैसे बचेगा, देवभूमि का मूल स्वरूप कैसे बचेगा, यहाँ का धर्म, यहाँ की अध्यात्म, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के आयुष, इन सबको बचाने के लिए जो इस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से, वो कतई ठीक नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर कहा कि हम वेरिफिकेशन ड्राइव उत्तराखंड के अंदर चलाएंगे, और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, कोई भी कहीं से भी आपराधिक पृष्ठभूमि का उत्तराखंड में आकर रहने लगता है और बाद में घटनाएं करता है, बाद में कई प्रकार की अन्य गतिविधियों को करते हुए पाया जाता है, तो निश्चित रूप से ये उचित नहीं है। इसलिए देवभूमि के अंदर हमने इन सब कामों पर सख्ती से काम शुरू किया है। ये जो यहीं की देवभूमि पर खड़े होकर जो कुछ लोग इस्लामोफोबिया जैसे इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपको लगता है ये जायज है इन कानूनों के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना? देखिए, भारत का जो संविधान कहता है उसके अलावा जो भी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है वो कतई भी जो है स्वीकार योग्य नहीं है, उसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। तामी जी, ये जो मजार हैं, मंदिर हैं, क्योंकि देवभूमि में मंदिर और हमारी आस्था को लेकर सबसे ज्यादा बात होती है, तो अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये कहा जाता है, आपके कुछ बयान वायरल होते हैं कि आपने कहा कि 1000 से ज्यादा जो मजारे हैं उनको, उन पर भी कार्रवाई की गई, तो ये भी किसी स्पेसिफिक किसी धर्म के ऊपर ही क्या कार्रवाई हो रही है, या आप कहना चाहेंगे ये सबके साथ समान रूप से? देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जितने भी अतिक्रमण थे, जितने भी अवैध कब्जे थे, सरकारी भूमि पर जो अवैध रूप से बनाए हुए ऐसे ढांचे थे, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी पंथ के, समुदाय के हो, उनको हटाने का काम यहाँ के प्रशासन ने किया है। और इसमें 2700 एकड़ जमीन अभी तक जो है वन विभाग की इससे मुक्त करवाई गई है, और ये अभियान अभी लंबा चलने वाला है, क्योंकि अतिक्रमण किसी भी कीमत पर जायज नहीं है और सरकारी भूमि पर तो कतई भी जायज नहीं है। इसलिए हमने सभी से पहले ही अनुरोध किया था कि जिसने भी अतिक्रमण किया है वो स्वतः ही इस अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा जो विधि के अनुसार जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी। ये जो अतिक्रमण की आप बात कर रहे हैं, इसके पीछे ये भी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई कि रोहिंग्याज हो या बांग्लादेशी हो, ये सभी अब असम के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं पर पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपका राज्य उत्तराखंड है। इस तरह की रिपोर्ट्स के बाद ही क्या ये एक्शन हुआ? ये काफी समय पहले से इस बात की चर्चा रही है और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, अभी ये काम हुआ है। और उत्तराखंड कोई किसी के लिए भी इस प्रकार के षड्यंत्र करने के लिए, इस प्रकार से एक लंबा मैं कहूँ कि सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पर कब्जा करना, अतिक्रमण करना, ये हमने कहा कि उत्तराखंड के अंदर नहीं होगा। उत्तराखंड कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है किसी के लिए, इसलिए यहाँ पर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई होगी? विधि के अनुसार जो कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं, अतिक्रमण को मुक्त करवा रहे हैं। अतिक्रमण कहीं का भी हो, सरकारी भूमि पर हो, वन भूमि पर हो, उसको मुक्त करवाने का अभियान चल रहा है।
धामी जी, क्योंकि आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इस वक्त हम जिस मौसम में भी आपसे बात कर रहे हैं, उस वक्त कई सारे हिमाचल हो या दिल्ली की भी हम बात करें, कई सारी तस्वीरें वायरल होने, लेकिन उत्तराखंड में आपने स्थिति को काफी काबू में रखा। हमने देखा कि आपने अधिकारियों को, मंत्रियों को ये निर्देश भी दिए कि वो जाएं और जाकर काम करें। आपको लगता है कि ये भी एक दायित्व है जिसका निर्वाह खुद मौजूदा समय में जाकर और समय का निरीक्षण करके होना चाहिए? हमको हर वर्ष आपदा का सामना करना पड़ता है। हमारा जो हिमालयन राज्य है, पर्वतीय राज्य है, इस राज्य में हर वर्ष हमको किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना पड़ता है। और इस वर्ष भी अत्यधिक बरसात के कारण से, अतिवृष्टि के कारण से, मानसून की तेजी के कारण से इन सब स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार अपने अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ, हमारे विधायक गणों के साथ, सभी लोग जो है इस आपदा के समय में आम जन के साथ रहें। उनके साथ चूंकि रहने से कई बातें जो आपदा को हम कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद होने वाली जो उसके प्रभाव हैं, उन प्रभावों में लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं। इसलिए मैंने सभी से अनुरोध किया है कि सभी लोग समन्वय बनाकर लोगों के साथ खड़े होकर लोगों को राहत देने का काम करें और जो प्रभावित लोग हैं उनको सहायता करें। अग्निवीर को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और अब वो अगला साल जो है, मतलब 24 से पहले यहाँ पे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं अग्निवीर को लेकर। राहुल गांधी खुद 10 दिन तक यहाँ पर आकर के एक यात्रा में शामिल होने वाले हैं और वो बताएंगे कि सच्चाई क्या है अग्निवीर की। लगता है कि कोई चुनौती है? देखिए, अग्निवीर देश के युवाओं के लिए लाई गई योजना है और उत्तराखंड से आने वाले समय में ये जो अग्निपथ योजना है उसमें सेलेक्ट होने वाले जो अग्निवीर हैं वो बड़ी संख्या में उत्तराखंड से होने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड का हमेशा ही सेना में बड़ा योगदान रहा है। अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो हमारे राज्य से अत्यधिक लोग सेना में अपनी सेवाएं देने का काम उन्होंने पहले भी किया है और अग्निवीर योजना के, अग्निपथ योजना के आने के बाद भी लोग यहाँ से योगदान देंगे और नौजवानों को, युवाओं को देश की सेवा का अवसर मिलेगा। उसमें से 25% चार साल के बाद वहीं फौज के अंदर कमीशन पाएंगे, अपनी सेवा को जारी रखेंगे। बाकी लोगों के लिए हमने कहा है, हमने भी कहा है, केंद्र सरकार ने भी अनेकों प्रावधान उनके लिए किए हैं कि वो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखंड के अंदर भी हमारा प्रयास होगा कि जो भी अग्निवीर योजना को पूरा करने के बाद आएंगे उन सबको समायोजित करें। लेकिन राहुल गांधी का आना एक चुनौती लगेगा? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि उनका कोई तार्किक उस पर उनके पास कोई चीज नहीं है, केवल विरोध के लिए विरोध करना है। देश के अंदर जिन्होंने 60 सालों तक राज किया है, जिनके पूर्वजों ने, जिनके वंश के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, पार्टी के लोगों ने, उन्होंने देश को कभी कुछ दिया नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, बड़े बड़े नारे दिए थे, गरीबी हटाने के नारे दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी गरीबी हटाने का काम नहीं किया। अलबत्ता उनके समय में गरीब हटाए गए, गरीबी बढ़ती गई और तुष्टीकरण देश के अंदर बढ़ा है। इसीलिए देश की जनता ने 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, प्रचंड बहुमत से हमारे देश के आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मोदी जी को जो है बड़े अंतर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और 2024 का भी चुनाव देश की जनता, उत्तराखंड की जनता उनको जो है एक तरफा, चूंकि उनके कामों के कारण से एक तरफा उनको पुनः भारत की सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी और वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नामी जी, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र किया, लोकतंत्र खतरे में है ऐसे आरोप राहुल गांधी लगाते हैं, वो भी विदेश की धरती पर जाकर, जबकि विदेश में हम देखते हैं कि मोदी जी की कडंका बजा हुआ है। ये भी एक नैरेटिव तय करने की कोशिश की जा रही है देश में? देखिए, देश हो या दुनिया हो, आज वो भली भांति जान रही है कि भारत किस तेजी से आगे बढ़ा है। पहले भारत दुनिया की तरफ देखता था, आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। ऐसे कठिन समय में G20 का अध्यक्षता भारत को मिलना मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लिए बहुत बड़ी बात आपने है। भी यहां पर अभी किया। हाँ। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी, और मैं कहूँ कि देश भर के अंदर ये जो इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम होते थे, सम्मेलन होते थे, वो कुछ एक शहरों में होते थे, लेकिन आज मोदी जी ने पूरे विश्व को ये दिखाने का काम किया है कि भारत का हर स्थान आगे बढ़ चुका है। हर स्थान जो है G20 जैसी बैठकों को आयोजित कर सकता है। उत्तराखंड के अंदर रामनगर में बैठक हो रही है, ऋषिकेश में बैठक हो रही है, नरेंद्र नगर में बैठक हो रही है, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा है। तो आज दुनिया
भारत को एक सशक्त भारत के रूप में देख रही है। उसका उदाहरण है, आप देखिए मोदी जी अमेरिका जाते हैं, मोदी जी फ्रांस जाते हैं, मोदी जी दुनिया के किसी देश में जाते हैं, जिस प्रकार से सारे प्रोटोकॉल टूट जाते हैं, सारे नियम टूट जाते हैं, वो मोदी जी जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी के रूप में आज भारत के 140 करोड़ भारतवासी इससे गौरवान्वित हैं। उनका सीना चौड़ा है, उनका सर जो है, माथा जो है, गर्व से ऊंचा हुआ है, हर कोई इसको महसूस कर रहा है। इसलिए कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और देश की जनता हमेशा उनके साथ रहेगी। 24 की कोई चुनौती लग रही है विपक्षी एकता के नाम पर? कोई चुनौती नहीं है। देखिए विपक्ष में बराती कोई नहीं बनना चाहता है, हर कोई दूल्हा बनना चाहता है। नहीं, राहुल गांधी को दूल्हा तो राहुल गांधी को दूल्हा कोई मानने को तैयार नहीं है। दूल्हा कोई एक बनता है तो सारे के लोग सब कहते हैं कि हम भी बराती बनेंगे। इसलिए सभी जो है बराती के रूप में कोई नहीं रहना चाहता है, जो भी रहना चाहता है वो दूल्हे के रूप में रहना चाहता है। मैंने आज आपका एक वीडियो ट्वीट देखा, उसमें आपने दिव्य केदार भव्य केदार का एक पूरा एक नए स्टाइल में जिस तरह केदारनाथ धाम अब होगा वो वीडियो ट्वीट किया था। उस तरफ अगर हम ट्रिपल आर जो एक स्लोगन है उसकी बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी को लेकर, चाहे वो रेल हो, सड़क हो, तमाम उस तरह से, आपको लगता है ये एक विकास का नारा है जो 24 में बहुत काम करने वाला है? निश्चित रूप से। देखिए रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, या रोपवे की कनेक्टिविटी हो, रेल रोड रोपवे, तीनों आर जो है तेजी से बढ़े हैं। आज दिल्ली से अगर देहरादून आप सड़क मार्ग से आई होंगी तो आपने स्वयं देखा होगा रोड कैसी बन गई है। यहाँ से आप बद्रीनाथ जी जाएंगी, यहाँ से हरिद्वार जाएंगी, हरिद्वार से आप बरेली जाएं, या आप रुद्रपुर जाएं, काशीपुर जाएं, हल्द्वानी जाएं, या पिथौरागढ़ तक जाएं सुदूर, तो फर्क स्वयं महसूस होगा कि कितना फर्क हो गया है। और आज बद्रीनाथ जी का जो मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है, बाबा बद्री विशाल का स्थान भव्य बनने जा रहा है, केदारनाथ जी दिव्य केदार और भव्य केदार के रूप में पुनर्निर्माण का काम काफी तेजी से आगे बढ़ गया है। आने वाले समय में चाहे केदारनाथ जी का रूप पे हो या हेमकुंड साहब का रूप पे हो, वो जब धरातल पर उतरेगा तो श्रद्धालुओं के लिए, देश भर के, दुनिया भर के लोगों के लिए केदारनाथ जी की यात्रा हो या हेमकुंड साहब की यात्रा हो, बहुत ही आसान होगी। और जो कई दिनों की यात्रा है वो कुछ ही घंटों में हो पाएगी। ये सारा का सारा तभी संभव हुआ, तभी मुमकिन हुआ जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, वो क्योंकि उन्होंने नजदीक से इस जीवन को जिया है, स्वयं उन्होंने यात्राएं की हैं, देश के मर्म को समझा है। इसलिए देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, धर्म भक्तों का, उन सभी की भावनाओं को समझते हुए उनके लिए उन्होंने काम किया है। मैं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से और आने वाले सभी भक्तों की तरफ से मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। तो मतलब अगला दशक उत्तराखंड का होगा, ये बात सच साबित होगी? बिल्कुल, उनके मुख से जो शब्द निकले बाबा केदार की भूमि पर कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वो तेजी से उस दिशा में बढ़ रहा है। अभी अभी हमारी चार धाम यात्रा जो चल रही है, ढाई महीने के अंतराल में 35 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और कल ही जो हमारी कांवड़ यात्रा संपन्न हुई है इस साल की 2023 की, 4 करोड़ से अधिक शिव भक्तों ने माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान किया है। ये बहुत बड़ी मैं कहूंगा कि संख्या है और साल दर साल हर साल बढ़ती जा रही है और अच्छे तरीके से संपन्न हो रही है। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख से भगवान भोलेनाथ ने, भगवान बाबा केदारनाथ जी ने जो शब्द उनके मुख से निकले, वो उनके शब्दों के रूप में शिव रूपी शब्द हमारे लिए जो है साबित हो रहे हैं और हमारी यात्रा भी सफल हो रही है, उत्तराखंड भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के लोग यहाँ पर आकर एक धर्म का, अध्यात्म का, अपने आप को पाने का, खोजने का भी एक अवसर लेकर, एक अच्छा महसूस करके यहाँ से वापस जा रहे हैं। धामी जी, एक और मुद्दा जिसकी चर्चा पिछले दिनों उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हुई कि किस तरह आपने नकल पर नकेल कसी, वो एक ऐसी बात थी जिसने पूरे देश में चर्चा चलाई कि क्यों नहीं और राज्य भी ऐसा कर पा रहे हैं। देखिए हमारे राज्य के अंदर पिछले लंबे समय से, पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से लगातार जो भर्ती परीक्षाएं होती थी उसमें नकल हो जाती थी, कभी पेपर लीक हो जाता था, पेन ड्राइव से नकल करवाई जाती थी, या जहाँ प्रिंट अखबार, जहाँ प्रिंट होता था प्रश्न पत्र वहीं से वो लीक आउट हो जाता था, प्रश्न जो बैंक है वो लीक हो जाता था, इसकी शिकायतें बहुत आती थी लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। पहली बार हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के कारण से, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के भाई बहनों के हित में हमने ये निर्णय लिया कि जो भी नकल के इस अपराध में शामिल है
उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। और हमने कार्रवाई प्रारंभ करी, 80 से अधिक लोगों को इसमें जो है कानून ने पकड़ा, जेल की सलाखों के पीछे भेजा, और ये सिलसिला यही रुका नहीं। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कोई न कोई बातें जरूर बीच बीच में आती थी, इसलिए हमने नकल का अध्यादेश हम लेकर आए, जिसमें हमने 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान किया है, सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया है, और कोई भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसका परिणाम हुआ कि 5.5 लाख से भी ज्यादा छात्र छात्राओं ने अभी तक परीक्षाओं में भाग लिया है। और बहुत अच्छी बात यह है कि जो कई सालों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे छात्र एवं छात्राएं, और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था, इस नकल अध्यादेश के लागू होने से उनका सिलेक्शन हो रहा है। और कुछ ऐसे भी छात्र छात्राएं मुझे मिले हैं कि जिनका एक परीक्षा में नहीं, दो परीक्षा में नहीं, बल्कि 3-3, 4-4 परीक्षाओं में वो उत्तीर्ण हो गए हैं। सभी ने कहा है इसको कि ये बहुत अच्छा कानून आया है, और निश्चित रूप से ये देवभूमि के बच्चों के भविष्य के लिए, छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए बहुत जरूरी था। और आज शांतिपूर्ण तरीके से, पारदर्शिता से सारी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, और प्रदेश के नौजवानों को एक विश्वास पैदा हो गया है कि अगर आप वो अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छी अपनी तैयारी करेंगे, तो पारदर्शिता के आधार पर बिना किसी नकल के उनको जो है चयन होने का अवसर प्राप्त होगा। धामी जी, ये जो आपका विजन है, इतने सारे अहम मुद्दे हैं जो पूरे देश की जनता और उत्तराखंड की जनता के साथ दिल से उनके जुड़ाव रखते हैं, ये विजन पहले क्यों नहीं लोगों में आ पाया था? आपको लगता था कि बहुत देरी हो गई है और अब तुरंत इसको करने की जरूरत है? देखिए, मैं जब से आया, मैं चूंकि शुरू से नौजवानों के बीच में, युवाओं के बीच में काम करता रहा हूँ, और सामान्य परिस्थितियों में रहा हूँ, तो इस नाते मैंने इन सबको नजदीक से इसको महसूस किया है, नजदीक से देखा है। इस नाते जब से मेरे को ये दायित्व तो मिला, ये सेवा का अवसर मिला, मैंने प्रयास किया कि जो जो उत्तराखंड देवभूमि के लिए जरूरी है, यहाँ के आम जनमानस के लिए जरूरी है, यहाँ के आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है, उन सभी को हमने किसी न किसी रूप में धरातल पर उतारने का प्रयास किया है, और ये नकल का कानून भी उन्हीं में से एक है। आपके कुछ शब्दों को लेकर के बड़ा चर्चा हो जाती है, क्योंकि आप हर शब्द के साथ, कई बार आपने जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया, चाहे वो लैंड जिहाद हो, लव जिहाद की तो चर्चा देश भर में इस वक्त चल रही है। आपको लगता है कि इन्हीं शब्दों की वजह से आप विवादों में आ जाते हैं? नहीं, विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। जो भी सुनियोजित तरीके से किया जाने वाला कोई भी ऐसा काम जो विधि के अनुरूप न हो, भारत के संविधान के अनुरूप न हो, उसको आप इन सब संज्ञाओं से संज्ञाएं उनको दे सकते हैं। लेकिन तीखी प्रतिक्रियाएं आती हैं आपके बयानों पर बहुत ज्यादा। देखिए, हमें चूंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम इस मंत्र को मानने वाले हैं, और उत्तराखंड राज्य के हित में जो जरूरी है, हमने उन सभी कामों को आगे बढ़ाया है। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी आपसे कि अब आपकी चर्चा जब देश में होती है तो ये होता है कि देश में इस वक्त 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो बिल्कुल उस एजेंडे पर चल रहे हैं, एक योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा और पुष्कर सिंह धामी। आपको लगता है उस लीग में जहां पर अब आपको देखा जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आप, हमने तो वैसे देखा आपने काफी बोला इस इंटरव्यू में, लेकिन आप बोलते कम है करते बहुत ज्यादा है, सख्ती से? नहीं, देखिए, जो भी चीजें जरूरी हैं, जो उत्तराखंड राज्य के हित में है, जो यहाँ के आम जनता के, सामान्य जनता के हित में, उन निर्णयों को लेने में हम न पीछे कभी पीछे रहे हैं, ना आगे कहीं पीछे रहने वाले हैं। जैसी जरूरत होगी वैसे हम निर्णय लेंगे, उसमें बोले या न बोले, लेकिन हम काम करेंगे। लेकिन ये छवि, अभी तक आपने इस पर जवाब नहीं दिया जो छवि बन रही है। नहीं, हम देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उनसे प्रेरणा लेकर आज भी जो जिस प्रकार से वो कर्मयोगी के रूप में देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और पूरे देश के सुदूरवर्ती क्षेत्र हो या हमारा उत्तराखंड हो, जिस प्रकार का उनका लगाव है, जो यहाँ के लिए उनका एक विजन है, जो सोच है, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से यहाँ काम हुए हैं, वो काम आज तक कभी नहीं हुए थे, और वो अभूतपूर्व हैं। इसलिए हम उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे, उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे,
जो देश को आगे ले जाने वाले हैं या प्रदेश को आगे ले जाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धामी जी हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए, और मुझे उम्मीद है कि सभी मुद्दों पर जिस तरह से आपने बहुत सारे भ्रम भी पैदा करने की लोगों ने कोशिश की, उन सब से आपने पर्दा हटाया और उन सबके बेबाकी से जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका।